तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सब लोग का एक मेरी न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं यंगदोंग स्टेशन से सोल स्टेशन का सफर तय करेंगे, वो भी कोरियन मेट्रो में। देखो कोरिया मेट्रो आने वाली है और हम चलेंगे, दिखाएंगे आपको सोल स्टेशन कैसा है कोरिया का। और हम यंगदोंग स्टेशन पर है, दिखाते हैं आपको। यह है यंगदोंग स्टेशन, चलेंगे सोल स्टेशन की तरफ। यंगदोंग स्टेशन है, ये देखो ये है यंगदोंग स्टेशन। और हम चलेंगे सोल की तरफ, सोल स्टेशन की। दोस्तों हमने यहाँ से करना है अभी ट्रेन चेंज करनी है, और ट्रेन नंबर दूसरी ट्रेन चेंज करनी है। थोड़े ढूंढ रहा हूँ कहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, दिखाते हैं। यह है सोल स्टेशन, सोल स्टेशन से हम ट्रेन से निकल चुके हैं। हमने दूसरी ट्रेन चेंज करना है, दूसरी ट्रेन के लिए हम वेट करेंगे। वीडियो बने रहना, दिखाते हैं। हम पहले ढूंढ लेते हैं हम ट्रेन, हमारी लाइन नंबर वन ट्रेन कहाँ से मिलेगी। मिल गए, हमने ट्रेन चेंज करनी है, उसके लिए एस्केलेटर से निकल रहे हैं। वहाँ पर दिखाते हैं आपको, फिर हमने ट्रेन चेंज करना है। लाइन वन सोल स्टेशन जाएंगे हम, और दिखाते हैं आपको आज हम कहाँ तक सफ़र करते हैं। वीडियो बने रहना, वीडियो बड़ी मस्त हो, क्योंकि यह है कोरिया का मेट्रो स्टेशन। हम यंगदोंग से निकले थे सोल स्टेशन, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। और हम आगे कहाँ जाएंगे वो आपके लिए एक सरप्राइज है, पर दिखाता हूँ आपको कोरिया का मेट्रो। ये दिख रहा है काफ़ी लंबा मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से हमने चेंज करना है। और चेंज करने के लिए काफ़ी इन्हें बहुत मेट्रो स्टेशन बहुत मस्त बना रखा है। देखना एक आने जाने वाले के लिए लाइन दे रखी, वोट रही वो कूद के नहीं पार नहीं कर सकता है। ये चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है, सबकी सेफ्टी दे रखी, भाग नहीं सकता। ये देखो लाइन दे रखी, लाइन से पहले उधर वैसे आने वाले उस साइड से, इस साइड से भीड़ नहीं हो और न ट्रैफिक हो यहाँ पर। ये हम निकल चुके हैं, काफ़ी हमें पैदल पैदल चला। और ये एक चीज़ है कि आने जाने की लाइन बनी हुई है, आने और जाने वाले की लाइन है। और कोई और सामान ले जाने के लिए भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो अभी तक दिखा दो आपको, ये देखो ये सामान के लिए, जो बड़े बड़े सामान है उसकी किसने के लिए, इतनी भी सुविधा तो बहुत मस्त है भाई, इतनी मस्त बना के ना दिल खुश हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें। तभी तो कहते ना फ़ौरन फ़ौरन ही होता है करके, कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, कुछ चीज़ हमें सिखाने को मिलती है। ये देखो सब लोग अपनी लाइन से आ रहे, अपनी लाइन से जा रहे। हमें मिली यह है इंचोन की जानकारी, इंचोन जाना हमने आज एयरपोर्ट, इसके लिए हम यहाँ पर पकड़ेंगे मेट्रो और यहाँ से निकलेंगे हम। मेट्रो आने वाली है, तब तक हम आपके साथ बने रहते हैं। देखो बहुत साफ सुथरा मेट्रो स्टेशन है और काफ़ी डिसिप्लिन है, बहुत ही ये डिसिप्लिन सबसे बड़ी डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत है और डिसिप्लिन का नंबर वन है, सफाई और डिसिप्लिन का नंबर वन है, और रूल रेगुलेशन पर मस्ट है। देखिए चलते हैं आने का मेट्रो, इंतज़ार करते हैं वीडियो में बन के जाना बाद। ये मेट्रो निकल चुकी है, हम इसमें निकलने वाले थे, आप चीज़ हमने मिस कर दी मेट्रो, ये मेट्रो चलेगी। एक चीज़ मैं आपको अच्छी देखा, कभी आपको कोरिया में आके ट्रेन में आपके दोस्त रहेंगे, आपको किस डब्बे में जाना हो इसी समय बता दूँ कि आप कैसे अपने दोस्तों को डब्बे में ढूंढ सकते हो कोरिया में। बहुत ही आसान है, एक नया ट्रिप चले गया आपको कोरिया में, अपने दोस्तों को ले जाना है लाना है, वो वहाँ आ रहा है आने वाले डब्बे में। आपको पता कैसे लगेगा कौन से डब्बे में, उसे डब्बे को ढूंढने के लिए आसान तरीका अब बताता हूँ, देख रहे ना। इस टाइप है उसे ये फोटो ले लेना, और ये फोटो देख के आप उसे डब्बे में जा सकते हैं। ये है दरवाज़ा, यहाँ से दरवाज़ा खुलता है और हर स्टेशन में सेम लगे रहते हैं, ये सेम नंबर लगे रहते हैं। ये देखो सेम नंबर है और यहाँ 93 है, और ये देखो यहाँ 92 है, वो आगे 91 चलते रहेगा। मैंने कितना आसान तरीका बताया, कभी भी आपका दोस्त अगर कोरिया में है और यहाँ मेट्रो के डब्बे में है, आपको उस चीज डब्बे के अंदर जाना है, आप डब्बे से अंदर जाने से अपने दोस्त से जो कि डब्बे का बाहर जिस डब्बे में बैठा उसके बाहर जहाँ से दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर नंबर लिखें, उसकी फ़ोटो आपको खींच के दे दें, आप वो फ़ोटो देखें वहीं पर नंबर पर खड़े रहो आप अपने दोस्त। आपको ट्रेन में डब्बे डब्बे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान और अच्छा तरीका है। और मैं इस आसान ट्रिक के साथ इसी का मेट्रो स्टेशन का आपको वीडियो दिखाने का यही था। इससे पहले मैंने काफ़ी मेट्रो स्टेशन का आपको साथ वीडियो शेयर करी है, लेकिन जो वीडियो शेयर आज कर रहा हूँ वो स्पेशल इसलिए था कि कभी आपका दोस्त, फिर बता रहा हूँ आपका दोस्त कोरिया में है या किसी कंट्री में भी है,
किसी कंट्री में भी है, आप वो डब्बे में रहेंगे, आपको उसे मिलना है, आप डब्बे डब्बे ढूंढोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ट्रेन आने से पहले उसे बोलो कि आप जहाँ से अंदर जाएगा जो डब्बे हो उसके बाहर की जहाँ दर्ज फोटो वहाँ नंबर लगे थे उसकी फ़ोटो खींच के दे दें। आप वो फोटो के देखें अपने जहाँ पर आप स्टेशन में, वो कोई स्टेशन पर आ रहा है एक्स वाई ज़ेड कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी लाइन पर आना चाहिए। उसी लाइन पर आने के लिए आप वहीं पर वो डब्बे, हर डब्बे स्टेशन एक ही नंबर होता है, आप कोई भी स्टेशन का नंबर वही होंगे, और दरवाज़ा जहाँ से खुलेगा आप वो दरवाज़ा जैसे खुलने वाला होगा वो नंबर दे दें, आप अपने स्टेशन पर खड़े रहें, वही डब्बे वही नंबर पर खड़े रहें, वही नंबर दरवाजे पर नंबर पर खड़े रहें, अपने जहाँ पर स्टेशन पर आप खड़े हैं वहाँ नंबर ढूंढे, वही नंबर पर वही दरवाजे के आगे खड़े रहें, सीधे आप अंदर जाओगे। इजी तरीका बताना, इसलिए भाई को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं फिर आगे चल के।